On the onset, I would like to quote a poem by William Blake. Joy and woe are woven fine, a clothing for the soul divine. Under every grief and pine runs a joy with silken twine. It is right, it should be so. Man was made for joy and woe. And when this we rightly know, safely through the world we go. It is so much true in considering today's scenario. My warm greetings to one and all present in today's virtual annual function of DAV Centenary Public School, Mandi. It is for the first time that any school in District Mandi is celebrating its annual function virtually. So here I, Anika Malhotra, welcome you all on behalf of entire DAV family. I would like to make you all aware about the safeguards that we have followed during the shooting of this whole function for the safety of students and all others who were involved in the making. Utmost care has been taken keeping in view the pandemic related to the sanitization of the areas and especially the indoor areas. Close proximity was avoided and minimum students were taken to perform in items with approximate distance. Predominantly, the shoot was picturized in various beautiful parts of Choti Kashi, Mandi. सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है. मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है. बचपन से ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर अथक मेहनत तथा अदम्य साहस के बल पर अपनी मंजिल हासिल करके एक प्रतिष्ठित पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देने वाली शालिनी अग्निहोत्री जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि शालिनी जी डीएवी संस्थान की ही एक छात्रा रही हैं। ये एक कर्मठ तथा कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं जिनके आगे अपराधी तथा अपराध दोनों ही सिर झुकाते हैं. नशे के कारोबारियों के खिलाफ मुहिम चलाकर हजारों जिंदगियों को गर्त से बचाने वाली शालिनी अग्निहोत्री जी माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों पुरस्कृत होकर भारतीय नारी का मस्तक ऊंचा करने वाली आईपीएस ऑफिसर हैं. हिमाचल की बेटी तथा भारतीय लोकतंत्र की ध्वजवाहक शालिनी अग्निहोत्री जी का मैं मंडी डीएवी के इस वार्षिक उत्सव में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. आई फील इमेंस प्लेजर टू वेलकम रिवर्ट श्री जी के भटनागर, असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर एचपी जोन बी, साइमल्टेनियसली मैनेजर डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल मंडी. आई एक्सटेंड माय हार्टी वेलकम टू ऑल द रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस डीएवी इंस्टीट्यूशंस. Your presence in today's function shows the strength and love that we DAVians have for one another. A year which was full of difficulties for almost all of us. The coronavirus pandemic did not only wreck the health and sanity, but also left quite a lasting impact on our lives. Yet, humanity cannot be taken lightly either. We will continue to hold on, hope and persevere for a better and brighter tomorrow. As they say, every situation in life is temporary, it's not permanent. So the show must go on. भास्कर समतेज और चंद्रमा सी शीतलता, हिमालय सी दृढ़ता और शिवाजी सी कर्मठता. कृतार्थ हुए हम शिक्षक गण, मार्गदर्शक मिला जो आपसा. जी हाँ, ये हैं माननीय क्षेत्रीय अधिकारी जोन सी, प्रधानाचार्य डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल मंडी, श्री के एस गुलेरिया जी,
जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये इन्हीं के परिश्रम व कर्तव्य निष्ठा का परिणाम है कि आज मंडी डीएवी सफलता की ऊंचाइयों को छूता हुआ जिले का सर्वोत्तम स्कूल कहलाता है। कोरोना वैश्विक महामारी के इस भयावह दौर में भी बच्चों की शिक्षा व उनके उज्जवल भविष्य का चिंतन करना तथा शिक्षक वर्ग का मार्गदर्शन करके बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखना, ये तो कोई विरला ही कर सकता है। लेकिन इन सबको हकीकत में करके दिखाया है माननीय प्रधानाचार्य महोदय के एस गुलेरिया जी ने। अगर हम इनके लिए कुछ लिखने बैठें तो शायद शब्दकोश में लिखे सारे विशेषण शब्द कम पड़ जाएं। इसलिए अब मैं अधिक ना कहते हुए माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे अपने आशीर्वाद रूपी वचनों से हमें कृतार्थ करें। With boundless pleasure and utmost regards, I extend a hearty welcome to all. I am tremendously delighted to express my regardful greetings to the Lady of Substance, Madam Shalini Agnihotri ji, IPS Superintendent, District Mandi. Your indomitable efforts to serve the society with exception, diligence are visible to the citizenry of the Mandi town. I receive the stakeholders with reverence and with gratitude. Ladies and gentlemen, I now take the pleasure of presenting the annual report for the session 2020-21 before the August gathering. Academic and scholastic benchmarks. I announce with pride that we broke all the previous records of the school by showing 100% results in the class 12th board with outstanding QPI of 85.1% and in class 10th, the overall QPI was 80%. In class 10th, total 43 students and in class 12th, 26 students have scored more than 90% and above. Sahil Sharma of class 10th scored 97.2% and became the topper. Smiksha Tandon of Science Stream scored 97.6% in plus 2 and was a topper in the science section. Parnita scored 97.6% and was a topper in the commerce section. Creating the new records, I feel proud to announce that this year a number of students got admission in the various prestigious colleges of not only the state but the country. Saksham Hajan was selected in IIT Bhilai. Ankit was selected for IGMC Shimla. Smiksha Tandon was selected for IGMC Shimla. Ishar Kaur got admission in HB Dental College, Sundanagar. Muskan got admission in PGI, Chandigarh. Pratyush Bagga is pursuing his engineering from Regional Engineering College, Sundanagar. Asmit has taken admission in the Delhi University. Sudeep has scored the National Institute of Design competition and is pursuing his studies from Kurukshetra. Ishar Kaur is pursuing the dental studies from Dental College, Sundanagar. It is worth mentioning that Mr. Anik Verma of class 7th got the privilege of getting selected into Rashtriya Indian Military College, Dehradun for the only one seat available for the students of Himachal Pradesh. It's indeed a remarkable achievement. On behalf of Anik Verma, I congratulate him and congratulate the parents. Let me mention that sports and the physical fitness occupies a place of importance in our curriculum. I am delighted to announce that Sarthak Lakhanpal won silver medal in 6th open shooting contest, in which around 650 students shooter of the country participated in 2020. This year under review has been alive, kicking, challenging and full of news, views and visuals. We have to run extra miles to keep pace with the difficult situation during the COVID-19. We didn't let the corona terror hinder the functioning of the school required for the growth of the students.
honing and tuning the teachers through webinars. The workforce of the school participated in around 50 webinars at various levels. Teachers have been trained with IT skills so that they can do the online teachings effectively. Online extracurricular activities and the virtual celebrations. The extracurricular activities for the students in COVID-19 lockdown, keeping in view the holistic development of the children, we went a step ahead of online academic classes and organized various online extracurricular competitions. These online competitions were conducted with a vision to explore and keep the creative side of the children running during the online COVID-19 lockdown situation. Enriching the school infrastructure. I want to mention here that during this lockdown period, the school has created the infrastructure for the use of the students. A badminton court with an expense of rupees 8 lakh was constructed for the students. The retaining wall was constructed with an expense of 9 lakhs to mitigate the landslide. A water hydrant and a fire safety system with an alarm was installed in the school, costing rupees 12 lakh. Water tank with a capacity of 25,000 liter is being built up at a cost of rupees 3 lakh. Upgradation of the smart boards of Tata Class Edge was done at an expense of rupees 60,000. 6 Tata Class boards are added in the classes, costing rupees 14,53,000. The annual maintenance contract of the smart board was done with an expense of rupees 1,18,000, and the roof truss worth rupees 18 lakh was created on the top of the school building. Our social outreach programs. As we make our students aware and sensitive towards the world issues, we educate them towards their societal responsibilities to their immediate community and encourage them to think beyond the narrow horizon or confines of I and reach out to connect compassionately with all. Respecting our elders should be the courtesy ingrained in every one of us. Common grace and manners are to treat elders with dignity and respect. My parting message to the class 12th. Your stay in the school is terminating very shortly. It is a time for the curtain to fall and the cradle to roll up. Time perhaps is the only thing which cannot be recycled. I assure you that the doors of your alma mater would always remain open to welcome you. Your bond with us would never end, and you automatically being enrolled as a member of School Alumni Association, you are free to interact with your school through public portals and other means of communication. God bless you. Pandemic situation has been a double challenging for the teachers who have been thrown into the situation with humility, but great certainty. I do mention that they rose to the occasion remarkably. They are constantly helping the students by sending the content, the worksheets and videos and solved questions. Class-wise, subject-wise groups have been made where the students can post their assignments and queries, if any. We are using the YouTube channel, the WhatsApp groups, the Zoom, the WebEx, the Google Meet, the classrooms, the video PowerPoint presentations and other resources available as per the need. In the backdrop of such challenging situation, we aim at imparting the knowledge through connection, especially conducive to the learning needs of the students. Although the situation is extremely difficult, yet I firmly assure that we have done our level best to enact strategies to support children for the smooth transitions from the virtual classes to the physical classes. I take this opportunity to express my sincere thanks to the parents for extraordinary support and cooperation in terms of clearing the dues in time, rendering the duty of invigilators during online examination, submitting hard copy of the answer sheets as per the schedule,
equipping the wards with the required facilities to make the virtual learning successful, making your attendance in the virtual PTMs during the unusual COVID time. Before signing off, I thank all the viewers and wish everyone a very happy and blessed upcoming days of the year 2021. May God bless us all. Thank you. Jai Hind. हाथ मिलाकर आओ बढ़े हम, हर बाधा लुप्त हो जाएगी। तूफानों भरी है रात आज जो, हौसला रख कट जाएगी। इस काली अंधेरी रात की भी उजियारी सुबह फिर आएगी, उजियारी सुबह फिर आएगी। वैश्विक महामारी कोरोना के द्वारा उत्पन्न विकट परिस्थितियों में भी एक उजियारी सुबह की उम्मीद लिए शिक्षक वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने तथा बच्चों के भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत रहने वाले अभिभावकों के हम तहे दिल से धन्यवादी हैं। और मंडी डीएवी के इस वार्षिक उत्सव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी कार्यों को निर्विघ्न रूप से संपूर्ण करने वाले दुखहर्ता गौरीसुत गणेश जी की स्तुति मंगलम लेकर आपके सामने आ रहे हैं डीएवी पाठशाला के विद्यार्थी। तो आइए हम सब भी गणेश जी की स्तुति करते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि वे इस संसार को वर्तमान परिस्थितियों की भयावहता से उबार कर सबका मंगल करें। इन विद्यार्थियों तथा अन्य सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस प्रस्तुति में भी उचित सामाजिक दूरी व कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए इसे फिल्माया गया है हमारी बहुत ही प्यारी मांडव नगरी, जिसे वर्तमान में मंडी के नाम से जाना जाता है, कि बहुत ही स्थान खलियार में। प्रदायकम्
वंदन गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन गाने 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 भज मुख मंदल दिल 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 धूम धूम दत दत जय जगबंदन वक्र तुंड दानी दाता विघ्न हरण सिंह करण धग धग हिम आच्छादित निर्मल पावन हिम श्रृंखला बीच में उष्णीश सा हिमाचल खड़ा उद्घोष जिसकी सुंदरता का होता है चहु ओर लालिमा युक्त शामे जिसकी नवांकुर प्रस्फुटित करती भोर प्राकृतिक सुंदरता की परिभाषा को चरितार्थ करने वाले तथा बागवानी के लिए जाने जाने वाले हिमाचल की आत्मा है यहाँ की कला संस्कृति तथा लोकगीत। ऐसे ही लोकगीत रूपी कुछ मोतियों को एक माला में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं मंडी डीएवी पाठशाला के विद्यार्थी। मन को मोह लेने वाले ये लोकगीत तथा इन्हें अपनी मधुर आवाज़ देने वाले बच्चों की यह प्रस्तुति अवश्यम्भावी आप सभी को मंत्रमुग्ध कर देगी और साथ ही आपका मन मोह लेंगी छोटी काशी के नाम से विख्यात हमारे प्यारे शहर मंडी स्थित छिपड़ों की ये खूबसूरत वादियाँ जहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ इन लोकगीतों को फिल्माया गया है। तो आइए चलते हैं अपनी इस अगली प्रस्तुति की ओर। प्यारी भूटड़ी
आज चलो हो बटनारगम मत कर्याच चलो चंबे चानी बचे योगा कर्मसु कौशलम। वी ऑल विश फॉर वर्ल्ड पीस, बट वर्ल्ड पीस विल नेवर बी अचीव्ड अनलेस वी फर्स्ट एस्टैब्लिश पीस इन आवर ओन माइंड्स। योगा गिव्स अस दैट। इट बूस्ट सेल्फ एस्टीम एंड मेक अस कॉन्फिडेंट। योगा हेल्प्स टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस एंड टू ब्रिंग लर्निंग टू चिल्ड्रेन ऑन एन एक्सपीरियंशियल लेवल। योगा टीचेस टू परसीवेयर, to be patient, to work towards the goal, and above all, tranquility. So here our Deviants are practicing yoga for this segment for all these benefits. The execution of yoga has been done on the bank of River Vyas in front of Heritage Victoria Bridge. जय हो शंकरा आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्र देव रे महेश्वरा। के
जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस था। मोतिया हो जिस तरह मेरे मन में शंकरा, तू बसा है उस तरह मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, शुक्रदेव हे महेश्वरा। ललाट पे भस्म है भुजाओं में वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा उपाओ में। प्यास क्या हो तुझे गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में जटाओं में दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया। मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद दोनों लोक में विषाम रित पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बाट के प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, शुक्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, शुक्रदेव हे महेश्वरा, शुक्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। कथा कहे सो कथक कहलाए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध शैली है कथक। यह मानवीय अभिव्यक्तियों का रसमय प्रदर्शन है जो एक ही बोल या कथा को अलग अलग भाव भंगिमाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने की खासियत रखता है। ऐसी ही एक नृत्य लड़ी प्रस्तुत करने जा रही हैं डीएवी की छात्राएं। इस नृत्य लड़ी के एक भाग में आप देखेंगे गुरु शिष्य समन्वय का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन। साथ ही आप देखेंगे प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर शहर मंडी के अनेक दर्शनीय स्थलों जैसे हनुमान घाट, प्रसिद्ध पंचवक्त्र मंदिर टारना, जहां पर इस मनमोहक नृत्य लड़ी के विभिन्न भागों को प्रस्तुत किया गया है। तो आइए देखते हैं मंत्रमुग्ध कर देने वाली यह प्रस्तुति शास्त्रीय संलयन। Oh
चुनुता दीमता किरदा का चुनुता दीमता किरदा का चुनुता धूमता धूमता ना 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 धूम धूम ता ना 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 धूम धूम मगपा धूम धूम ता ना ना धीरा ना 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 धूम धूम मगसा राइड दा धूम दा दा ना धीरा ना 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 ता दागर दा धूम ता दागर दा धूम ता दागर दा धूम 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 ता ना 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 धीरा ना 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 धूम किरदा ना धीरा ना Gama gama maga ma ba maga zani sa, tane dhirana. Gama gama maga ma ba maga zani sa, tane dhirana. Gama gama maga ma ba maga zani sa. Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. Gama ba la gama ma, gama ba la gama esa. Gama ba la gama ma, gama ba la gama esa. Ma ba ni pa gama. I'm in love with your body. होगा सवेरा फिर अदब से आकाश अपने सर को झुकाएगा कोरोना के बाद फिर से जब बच्चा स्कूल जाएगा होगा सवेरा फिर अदब से आकाश अपने सर को झुकाएगा कोरोना के बाद फिर से जब बच्चा स्कूल जाएगा नई फिजा में नया सवेरा तमाम रास्ते सजाएगा कोरोना के बाद फिर से जब बच्चा स्कूल जाएगा नदी में स्नान करके सूरज सुनहरी मलमल की पगड़ी बांधे सड़क किनारे खड़ा होकर मुस्कुराएगा
कोरोना के बाद फिर से जब बच्चा स्कूल जाएगा, हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गाएंगी, हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गाएंगी, महकते फूलों की खुशबुएं सोए रस्ते सजाएगी, घनेरा पीपल गली के कोने से हाथ अपने हिलाएगा, कोरोना के बाद फिर से जब बच्चा स्कूल जाएगा। फरिश्ते निकलेंगे रोशनी के, फरिश्ते निकलेंगे रोशनी के, हर एक जर्रा महक जाएगा, ये वो पल होगा जब जमीन का हर हिस्सा माँ के दिल सा तड़प जाएगा, पुरानी छत पे बैठकर ये कोरोना कबूतरों को उड़ाएगा, कोरोना के बाद फिर से जब बच्चा स्कूल जाएगा, जब बच्चा स्कूल जाएगा। धन्यवाद। मैं समय हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था, मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है। लाखों वर्ष पहले संसार में भीम सरत यानी डायनासोर जैसे अद्भुत जीवों का राज था, पर काल चक्र के साथ वो न चल पाए और आखिर उनका अंत हुआ। फिर धीरे धीरे ईश्वर के पुत्र मानव ने धरती को अपने वश में किया और शुरू हुई मुकाबले की एक ऐसी आंधी जिसने सभ्यताओं का उदय और अंत देखा। रोम की शान तो कहीं यूनान की विशाल शक्ति, कभी मुगल सल्तनत बुलंदियों तक पहुंची तो कभी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने ही सूरज को अपनी ही आंखों के सामने डूबते देखा। और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी रहा क्योंकि मैं समय हूं। पर समय पक्षपात नहीं करता। इन सभी सभ्यताओं, राजवंशों और साम्राज्यों ने जीतना तो सीख लिया, लेकिन उस जीत को कायम रखने के लिए वो मेरे साथ बदले नहीं, और जो समय के साथ बदलते नहीं, समय उन्हें बदल देता है। और आज एक बार फिर समय बदल रहा है। ये बताने से पहले कि आने वाला कल कितना सुनहरा होगा, मैं आपसे तीन जरूरी प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक, क्या आप इस करवट लेते युग के साथ खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं? दो, क्या आप हमेशा शिखर पर रहना चाहते हैं? और तीन, क्या आप समय के साथ बदलने को तैयार हैं? अगर आपका उत्तर है हां, तो जान लीजिए कि कल की सफलता, आज की जीत और आने वाले कल की कामयाबी के पीछे बस एक ही रणनीति है, और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में, फिर अमल में। अगर आप मेरे साथ हैं तो यूं समझिए वक्त आपके साथ है। फिर कल, आज और कल, बस आप ही होंगे सफल। मैं हूं कोरोना वायरस, मैं
समय के साथ चलने नहीं दूंगा, खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। इस पूरी मानव जाति को जीतने नहीं दूंगा, समय के साथ चलने नहीं दूंगा। मैं इनके शरीर में ऐसा बैठूंगा कि मानव को चक्कर में डाल दूंगा। मुझे छेड़ा है इस मानव ने, मुझे छेड़ के इसने मुझे नहीं अपने आप को धोखा दिया है। मैं इनके शरीर में ऐसा बैठूंगा कि मानव मानव से दूर हो जाएगा। देखना चाहते हो मेरा प्रभाव? तो देखो। डॉक्टर साहब देखिए मेरे पापा को क्या हुआ है। पहले आपके पिताजी का कोरोना टेस्ट होगा, फिर ही मैं कुछ बोल सकता हूँ। क्या कहा डॉक्टर साहब, कोरोना टेस्ट? हाँ हाँ, पहले आपके पिताजी का कोरोना टेस्ट होगा। घनश्याम, आपके पिता कोरोना पॉजिटिव हैं, अब इन्हें कोविड वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। क्या कहा डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी हालत मुझे काफी खराब लग रही है। वार्ड में शिफ्ट होने के बाद आप इनसे नहीं मिल सकते, और आपकी फैमिली और आपका कोरोना टेस्ट होगा, और आप सभी को क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप एक दूसरे से नहीं मिल सकते, क्योंकि यह बीमारी एक दूसरे से ही फैलती है। क्या कहा डॉक्टर साहब, हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते? हाँ हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, आप एक दूसरे से नहीं मिल सकते। आप घनश्याम बोल रहे हैं? जी सर। मैं हॉस्पिटल से डॉक्टर बोल रहा हूँ। अब आपके पिताजी की तबीयत पहले से बेहतर है, परंतु अभी भी आप उनसे नहीं मिल सकते। जी और सर। आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुना है घनश्याम के पिताजी को कोरोना हुआ है और वो बहुत बीमार है, क्या हम इनके पास जाना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं यार, वो कोरोना पॉजिटिव है और उनकी फैमिली भी आइसोलेशन में होगी, अगर हम उनके घर गए तो शायद हमें भी कोरोना हो सकता है। देखा मैंने कैसे इस इंसान को मजबूर कर दिया है, ये तो कुछ नहीं, मैंने तो बच्चों को भी स्कूल से दूर कर दिया है, देखना चाहते हो? अरे अब तो हमें छुट्टियां हो गई हैं। अब तो हमारे मजे ही मजे हैं, इस कोरोना ने तो हमारे मजे ही लगा दिए। हाँ अब तो हमें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। दुखी कर रखा है स्कूल तो पता नहीं कब खुलेंगे, घर में बैठे बैठे कुछ करते नहीं है, दुखी कर रखा है। Tell me your voice is not coming. नमस्कार, आप देख रहे हैं केके टीवी और मैं हूँ आपके साथ स्वदा शर्मा। सरकार
सबने ज्वाइन कर लिया? प्लीज ओपन द पेज नंबर 23। हेलो हेलो मैम, मैम आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अब आ रही आवाज? मैं क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, साथ में मजे से फेसबुक में चला लेता हूँ, इसके बारे में टीचर को भी नहीं पता चलेगा और मैं टीचर को बुद्धू भी बना लूंगा। अब मैं मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर सो जाता हूँ। आहा, मजा आ गया। मैं जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ मैम, आज नया टॉपिक करवाने वाली हूँ, बहुत जल्दी हमारे ऑनलाइन एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड बेटा, क्लास लगा रहे हो। हेलो शालू। हेलो सनेहा, आओ बैठो। बेटा क्लास लगा रहा था, मिली मैं उससे। कुछ भी कहो, टीचर मेहनत तो कर रहे हैं, इस कोरोना काल में भी बच्चों की पढ़ाई हो रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो स्कूल न लगने का बहाना बनाकर फीस नहीं देना हाँ, चाहते। हाँ, तुमने ठीक कहा, टीचर तो मेहनत कर रही है। हाँ, ऑनलाइन क्लास तो चल ही रही है, हमें फीस देनी चाहिए, तभी तो टीचर्स की भी फैमिली चलेगी। हाँ तुमने ठीक कहा। देखी मेरी ताकत, लापरवाही तो मुझे पसंद नहीं, जो लोग लापरवाही करते हैं मैं उनको तो छोड़ता ही नहीं, देखना चाहते हो तो देखो। जेरी जेरी, जेरी। हेलो जेरी। हाय आशु। अरे आशु, तूने मास्क नहीं लगाया क्या? तुम्हें पता नहीं आजकल कोरोना वायरस फैला है? अरे कुछ नहीं होता, चल चल खेल कर आते हैं। हाँ चल चल। अरे जेरी, खेलने का तो मजा आ गया, चल कुछ खाते हैं। मेरे पास चिप्स का पैकेट है, मैं खोलता हूँ उसे। अरे पहले हाथ धो लेते हैं फिर खाएंगे। अरे कुछ नहीं होता, लेकिन कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोने चाहिए। अरे कुछ नहीं होता, इससे पहले हमने कभी हाथ धोए? बता धोए। लो मैंने अपने हाथ साफ कर लिए, अब तुम भी कर लो। ये हाथ साफ करना हुआ? हाथ साफ करना हुआ ये? मैं नहीं खेल रहा तेरे साथ, मैं जा रहा हूँ। अरे जेरी सुन तो, अरे अरे आशु, तुझे तो खांसी है और तू मुंह पर हाथ भी नहीं रखता, मैंने तुझे पहले भी कहा था ना मास्क पहन लिया कर। अरे कुछ नहीं होता, तेरी यही लापरवाही एक दिन तुझे ले डूबेगी। मैं जा रहा घर। अरे हाँ, मैंने सुना है आशु कोरोना पॉजिटिव आया है, उसे तो खांसी भी थी। मैंने उसे कितना समझाया पर उसने मेरे एक ना सुनी, उसे तो उसकी ही लापरवाही ले डूबी। देखा मैं कैसा हूँ, मुझसे कोई नहीं बच सकता, मैं मानव को समय के साथ चलने नहीं दूंगा। ए वायरस, तू हमें मारेगा, हमें समय के साथ नहीं चलने देगा, जा जा। साबुन और सैनिटाइजर से साफ करना शुरू कर दिया है, और तो और बात भी हम 6 गज की दूरी से करते हैं। इन उपायों से तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने तुमसे बचने के लिए वैक्सीन को भी बना लिया है।
मुश्किलें, हाँ मुश्किलें, जिंदगी का दूसरा नाम ही मुश्किलें है। हमें लड़ना है इन मुश्किलों से, जीना है इन मुश्किलों में, हराना है इन मुश्किलों को, और इन मुश्किलों के अनुसार अपने आप को बदलना है और आगे बढ़ते जाना है। Our this performance is very special as it belongs to the land of Rajputanas, which has great monuments, rich traditional food, exquisite art and culture. Yes, it is Rajasthan. This song is based on the memory of a man who is staying so far from his family and his beloved wife. And his wife is waiting for him with all her 16 bridal adornments. The dialect of the language is very heart-touching. This performance will definitely leave you all spellbound. So let us get mesmerized by the beauty of Rajasthan. This beautiful dance has been picturized near the Bias River, which was earlier known as Vipasha. River Vyas is definitely enhancing the beauty of the words of this song.
अब मैं हमारी आज की मुख्य अतिथि महोदया शालिनी अग्निहोत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे हमें अपने प्रेरणादायक वचनों से कृतार्थ करें। डीएवी स्कूल मंडी इज सेलिब्रेटिंग इट्स 14th एनुअल फंक्शन दिस ईयर एंड आई कंग्रेचुलेट द प्रिंसिपल डीएवी स्कूल एंड द एंटायर फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स who have made it possible during these tough times of COVID-19. I believe that DAV school is one of the best premier educational institutions in Himachal Pradesh, and the rankings, the passing scores and the average score of every student in the school has been very good, and I believe that it will continue in the future also. Corona times have given us challenges and given us opportunities to use these challenges to do something different. So it is a pleasure to know that the DAV school management is doing a virtual annual function and maintaining its tradition of doing these functions every year. So it is a very innovative idea, and I believe one of its kind, not only in the state but in the entire country. Being an alumni of DAV institution, I can proudly say that DAV institutions have done great work in educating the young minds and bringing them to a platform where they can fight with compete with students world over and in the nation, having top ranks and giving good, very good results in all fields of academic as well as co-curricular activities. I also believe that during these times when the young generation need to be motivated and put on a channel where they use their energy in the best possible way, and not only educational fields, these days all the co-curricular fields and the sports fields, they have grown very well in the country, and DAV being one of the premier institutes has a very big responsibility to lead every student to a meaningful life and a meaningful career in future. I also want to add on what I am saying by giving just a few important messages to everyone who is listening to me, particularly the students, the young generation. The entire country and its future depend on your performance and your well-being and the path you take in your future ahead. So stay away from negativity in your life. Stay away from negative things which waste our lives in a way which we cannot even imagine, particularly drugs. The abuse of drugs is a major problem in Himachal Pradesh and northern part of the country. And we have seen states like Punjab facing huge backlog because of the drug problem they are facing. So in Himachal Pradesh, we are also struggling with this problem. And I hope and I presume that all the students of DAV would look for role models, will become role models, and will present their lives in the best form and stay away from drug abuse and other such activities which have a negative impact on our lives. I wish every student of this school and the management full success and a lot of good things, good initiatives, good results in the future to come. And I wish this year also the results of this school will definitely be on the top, and the students will continue the tradition of making DAV institution one of the premier institute in the state and in the country. Thank you. Jai Hind. India, my nation, my pride. It is full of diversities. Social diversity, diversity in language, in religion, in culture, and so on, according to its 29 states. Still, we Indians are one by heart and soul. India has world's largest democracy, which gives equal rights to all its citizens. Civilization in India began about 4,500 years ago. In short, India is the cradle of human race and birthplace of human speech. Kamal ki Sanskriti hai mere desh ki,
जहाँ चरण स्पर्श से ही दिलों को छू लिया जाता है. सो दिस मैग्नानिमस परफॉर्मेंस इज डेडिकेटेड टू आर मदरलैंड, आर इंडिया. दिस ग्लोरियस एक्ट हैज़ बीन एकम्प्लिश्ड इन द एल्यूरिंग ब्यूटी ऑफ हेलीपैड विच इज सिचुएटेड इन कांगनीधार मंडी. पम 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 ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का. इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना. पम 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 जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए आजा आजा जिंदू शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले. चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामला मातरम. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. ये दुनिया, ये दुनिया एक दुल्हन, एक दुल्हन. ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया. ये मेरा समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी. फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे. माँ तुझे सलाम, पम 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 पम, अम्मा तुझे सलाम, पम 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 पम. वंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला. झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा. सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी. सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी. हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो.
अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। निर्धारित कर लक्ष्य अपना, गर जीवन में कुछ पाना है, रास्ते खुद मिल जाएंगे, बस कोहरे में भी चलते जाना है। अगर हमें अपनी मंजिल को हासिल करना है तो यह आवश्यक है कि हम कभी भी अपने लक्ष्य को ओझल ना होने दें। ऐसे ही एक प्रेरणादायी समूह गान को लेकर आपके सामने आ रहे हैं डीएवी पाठशाला के अध्यापक तथा अध्यापिकाएँ। लक्ष्य न ओझल होने पाए, दृष्टि हो केंद्रित लक्ष्य पर अर्जुन के जैसी, मिल जाएगी मंजिल चाहोगे जीवन में वैसी। माना कि लक्ष्य की राह में आते हैं घनघोर अंधेरे, मेहनत और हिम्मत से ही पूरे होंगे सपने तेरे। तो आओ जीवन रूपी पथ पर आगे चलें, आंखों से अपने लक्ष्य न ओझल होने दें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। केवल मुट्ठी भर दृढ़ संकल्प वाले लोग, जिनकी अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था होती है, और वही लोग इतिहास की धारा बदल देते हैं। तो मैं सभी बच्चों से आह्वान करता हूं कि एक लक्ष्य निर्धारित करें और दृढ़ संकल्प के साथ उसकी ओर अग्रसर रहें। छोड़ किनारा कूद पड़ो मझधार तुम्हारा डेरा, खून पसीना बहा के अपना ला फिर नया सवेरा। फूल खिलेंगे फिर गुलशन में बढ़कर ही मनोबल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला कर चल, कदम मिला कर चल, मंजिल तेरे पग चूमे आज नहीं तो कल, लक्ष्य न ओझल होने पाए। सबकी दौलत सबकी मेहनत सबकी हिम्मत एक, सबकी ताकत सबकी इज्जत सबकी किस्मत एक। शूल बिछे अगणित राहों में राह बनाता चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला कर चल, कदम मिला कर चल, मंजिल towards a wonderful and beautiful northeastern state. Yes, it is Assam,
which is also famous as the tea capital of India. Assam is famous for many more things. Its rich and diverse wildlife, amazing traditional cuisine, and vibrant dance forms. Bihu tops the list when almost entire Assam becomes one to celebrate this festival with splendor. It is the beginning of New Year for Assamese on the onset of spring. So let us get mesmerized with this traditional dance form of Assam, Bihu. This beautiful performance has augmented more by the heritage beauty of Vijay Senior Secondary School, where it has been picturized. The school was established in year 1866. প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি ঘুরে যায় মন হারানোর ঠিকানায় ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় तो अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। मैं इस कार्यक्रम का समापन अमेरिका के एक प्रख्यात लेखक मार्क ट्वेन के शब्दों के साथ करना चाहता हूं। उन्होंने भारत के लिए लिखा है कि इंडिया इज अ क्रैडल ऑफ ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशंस एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ लेजेंड्स। Our most artistic and valuable material in the history of mankind are treasured up in India only.
जी हाँ, मार्क ट्वेन ने बिल्कुल सही कहा है और भारत का इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है। वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो आज विश्व पटल पर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है और कोरोना काल में यह बात सिद्ध हो गई है। इस महामारी के दौरान जहां एक तरफ सारी दुनिया में दहशत का माहौल था, सभी देश इस संक्रमण से लड़ने में असफल हो चुके थे, वहां भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक भरोसेमंद साझेदार बन के उभरा। वहीं दूसरी तरफ सार्क देशों का नेतृत्व करते हुए जिस तरह के ऐतिहासिक फैसले भारत ने लिए हैं, वो सच में हम सबको गौरवान्वित करते हैं। आज भारत अभूतपूर्व बदलाव के मंथन से गुजर रहा है और इस मंथन से उसे न्यू इंडिया रूपी अमृत प्राप्त हुआ है। ये न्यू इंडिया ही है जो अपने वजूद की उद्घोषणा बुलंदी से करना जानता है, लेकिन बिना शिक्षा के इस नए भारत की कल्पना बेमानी थी और बेमानी है। आज भारत का युवा शिक्षित है, इसीलिए वो कुशल है, योग्य है और आज बौद्धिक रूप से वो इतना सक्षम है कि वो हर संकट को अवसर में बदलना जानता है। यहाँ ये बात कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि ऐसी बहुआयामी शिक्षा को प्रसारित और प्रचारित करने में डीएवी संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। आज ये संस्था हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय आर्य रतन पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी के नेतृत्व में भारत की सबसे बड़ी गैर सरकारी शिक्षण संस्था बनके उभरी है। इसके लिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। डीएवी मंडी की बात करें तो इस कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य को जिस सरलता और कुशलता के साथ हमारे शिक्षकों ने धरातल की जमीन पर उतारा है, वो सच में अविश्वसनीय है, वो सच में बधाई के पात्र हैं। पर यहाँ पे ये कहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस सब के पीछे सबसे बड़ा योगदान या यूं कहें सबसे बड़ा मार्गदर्शन हमारे स्कूल के चेयरमैन श्री प्रबोध महाजन जी, हमारे स्कूल के वाइस चेयरमैन श्री एमएल सेकरी जी, हमारे स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर वी सिंह जी और हमारे स्कूल के मैनेजर श्री जी के भटनागर जी का है। हम आप सबके दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है और इस परिवर्तन के साथ परिवर्तित होना हर एक मनुष्य का दायित्व है। हमने यहाँ डीएवी मंडी में ये लक्ष्य लिया था कि हम इस परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हुए स्कूल की सभी गतिविधियों को ऑनलाइन जारी रखेंगे। यहाँ ये कहते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हम इस कोशिश में सफल हो पाए हैं। आज का ये वर्चुअल एनुअल फंक्शन इसी कड़ी का एक हिस्सा है। यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे एआरओ और प्रिंसिपल श्री केएस गुलेरिया जी का, जिन्होंने इस संकट के दौरान सभी शिक्षकों में एक नया उत्साह भरा और हम सबको इस परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। और अंत में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी अभिभावक गणों का, जिन्होंने इस कोविड के दौरान विद्यालय पर अपना भरोसा बनाए रखा और हर तरह से हमें अपना सहयोग दिया है। मैं उन सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में भी उनकी आशाओं की हवा को हमारे शिक्षकों के प्रयासों की अग्नि यूं ही निरंतर मिलती रहेगी और ये डीएवी रूपी मशाल यूं ही ऊंचाइयों पर जलती रहेगी, चमकती रहेगी। धन्यवाद।